विक्रम जी, अब सवाल ये है कि आपकी सरकार में ये सब कुछ होता रहा, आप सुन रहे हैं नवरंगे साहब कैसे बता रहे हैं कि वो आतंकी जो इस देश में भी नहीं है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो लगातार धमकी देता रहा, उसके गुर्गे धमकी देते रहे, लगातार दबाव बनाते रहे, पीड़ित शिकायत करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, स्वरूप निकला, महिमा मंडन कर दिया आपने एक आतंकी का। देखिए प्राची जी, ये तो आप बीजेपी से पूछो। देखिए कांग्रेस की सरकार में भी दो कसाब को और अफजल गुरु को फांसी दी गई थी, उन्होंने उनको उनकी डेड बॉडी नहीं दी थी उनके घर वालों को। अब बीजेपी की सरकार थी जब याकूब मेमन को फांसी दी गई, इन्होंने बॉडी क्यों दी और अब कबर बना दी और अब ये सौंदर्यकरण हो रहा है, तो अभी भी तो सरकार है, ये तुड़वा दे। पुरातत्व विभाग भी अब तो केंद्र सरकार के पास है। आप ये जितने भी आतंकी या जितने भी जो जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर अत्याचार किए, जो मुगल जो औरंगजेब की कबर है या दूसरी है, इनको तुड़वा दे। अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो इनको करना चाहिए काम। लेकिन ये इस तरीके का विवाद फैलाना, देश के अंदर इस तरीके का माहौल पैदा करना, यही बीजेपी की सियासत है। ये सब सियासत के लिए सब चीज कर रहे हैं, नहीं तो आप देखिए इनके हाथ में सरकार, इनके तुड़वा दें आप, अगर इनमें हिम्मत है तो तुड़वाते क्यों नहीं है। ठीक, दूसरे पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। देखिए आप जो आरोप लगा रहे हैं विक्रम सिंह जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, जाहिर सी बात है इसका जवाब बीजेपी आपको देगी और बीजेपी से इन सवालों का जवाब भी लेना चाहिए। लेकिन मेरा बेसिक सवाल यह है कि आपकी सरकार में ये कैसे पॉसिबल हो गया कि एक आतंकी जो यहाँ है भी नहीं, कहीं दूर देश में बैठा हुआ है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, यहाँ के बाशिंदे को डराता रहा, धमकाता रहा, वो शिकायत करता रहा, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि एक और आतंकी की कब्र का महिमा मंडन हो गया, ये पॉसिबल कैसे हो पाया? ये प्राची जी बीजेपी की सरकार, मैं कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार में हुआ है, आप बीजेपी वालों से पूछो ये चीज। तो देखिए हमारी सेना जिस बहादुरी से लड़ती है, उस बहादुरी से हमारी सरकार जो है उनको आदेश नहीं देती है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने क्यों नहीं हाफिज सईद के ऊपर जाके मिसाइल मारी? सर बीजेपी से आपत्ति, बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी क्या कर रही है, इसका जवाब बीजेपी देगी, जाहिर सी बात है। लेकिन मेरा सवाल, एक सेकंड रुकिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरे साथ बैठे नवरंगे साहब, वो ये कह रहे हैं कि देखिए मैं बार बार शिकायत करता रहा, मैंने शिकायत की, मैंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, मैंने खत लिखे, उसके बावजूद कोई जवाब नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं, थाने से कॉल तक नहीं आया, इसकी जिम्मेदारी तो आपकी है? नहीं नहीं नहीं, आप ये मुझे ये बताइए सरकार किसकी, कब इन्होंने की, जब सरकार किसकी है, इन्होंने जब किया तो सरकार किसकी सरकार थी उस टाइम पे, कब किया था इन्होंने? ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी पर पूरा आरोप डाल दीजिए, पल्ला झाड़ लीजिए, कैसे हो गया इस देश में ये सब कुछ, ये इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है ना, इसके लिए कोई जिम्मेदार, बीजेपी की सरकार थी तो 2015 देखिए बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी उनकी बनती है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, ये देश में हो गया, यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक दूर बैठा हुआ अंडरवर्ल्ड का डॉन धमकी दे रहा है और उसके कहने पर, उसके इशारे पर महिमा मंडन हो रहा है उस आतंकी का जिसने 250 लोगों की जान ली, लेकिन जिम्मेदारी किसी की नहीं है। आप कह देंगे बीजेपी, बीजेपी कह देगी शिवसेना। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि अमेरिका ने लादेन को पकड़ा, मारा और उसको समुद्र में फेंका, क्यों नहीं हमने भी ऐसा किया, क्यों उसकी डेड बॉडी को दे दिया, ये विवाद ही पैदा नहीं होता। लेकिन बीजेपी ने जानबूझ के ये सब किया कि अच्छा बीजेपी ने वहां पर कब्र बनवा दी, बीजेपी ने वहां पर कब्र बनवा दी, उसके बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप सरकार में थे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप देख लें वहां पर कौन फूल चढ़ा रहा है, कौन मार्बल लगा रहा है। आज मैं कह रहा हूँ कि पुरातत्व विभाग सारा केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार में बीजेपी है, आप तुड़वा दो ना। बंद करिए विक्रम सिंह जी, ऐसी राजनीति को बंद कर दीजिए, ये देश का मामला है, देश के दुश्मनों का मामला है, ये उस शख्स के बारे में बात हो रही है जिसने मासूमों की जान ली थी, जिम्मेदारी को तय करना सीख लीजिए, जिम्मेदारी को तय करना सीख लीजिए। ठीक है सर, आप जवाब नहीं देंगे, मुझे नहीं लगता आप जिम्मेदारी भी समझ रहे हैं। विजय शंकर जी कैसे दे दिया, एक आतंकी का महिमा मंडन हो जाता है, बात आ गई आपकी विक्रम सिंह जी, मेरे पास और भी मेहमान है, उनका रुख कर लूं जरा। विजय शंकर जी, एक आतंकी का महिमा मंडन हो जाता है, उसकी कब्र पर फूल चढ़ा दिए जाते हैं, सजावट हो जाती है, कानो कान किसी को खबर तक नहीं होती, जिम्मेदारी पूछने जाए तो इसने किया उसने किया। देखो प्राची, एक बड़ी बड़े षड्यंत्र का खुलासा इस याकूब मेनन के इस कब्र से हो गया। इसके पहले बहुत सारी दरगाहें हैं जो पूजी जाती हैं, उनको बहुत चमत्कारिक ढंग से उनको बनाया गया, बड़ा किया गया
और लाखों की संख्या में हिंदू वहां जाते हैं और उनके चमत्कार को उनको बताया जाता है। ऐसे ही एक दरगाह चिश्ती अपनी अजमेर में है, मोनीद्दीन चिश्ती के विषय में सारा का सारा इतिहास भरा पड़ा है, लोगों को पता है कैसे हिंदू राजा की बेटी को उसने अपहरण किया और उसका धर्मांतरण किया, हजारों हजारों केस ऐसे उस पर लगे हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी दरगाह को ऐसा महिमा मंडन किया गया कि सारे भारतवर्ष से हजारों हजारों हिंदू वहाँ पर जाते हैं, वहाँ नतमस्तक होते हैं जाकर, चूंकि उनको सच्चाई नहीं पता थी। इस याकूब मेनन के विषय में भी इतना घोर आतंकी 1993 में जाकर के कितने लोगों की हत्याएं हुई उससे, और इसके बाद उसकी उस कब्र को महिमा मंडित करने का आज तो शुरू किया गया था, आज सजाया गया था, धीरे धीरे उसके चमत्कार बाहर लाए जाते और कुछ दशाब्दियों के बाद उसका इतना चमत्कार समाज में जाता कि लोग ये भूल जाते कि ये आतंकी था, लोग उसका पूजन करना शुरू कर देते। एक पूरी श्रृंखला अगर आप इस प्रकार की दरगाह और मजारों पर जाएंगे जिनकी पूजा बड़े परिमाण पर हो रही है, तो इसी प्रकार का एक काला सच सामने सबके सामने आएगा। और मुझे लगता है कि इस कब्र से, याकूब मेनन के सजाए हुए कब्र के बाद बहुत सारे देश के ऐसे दरगाहों और मजारों का इतिहास खंगालने की आवश्यकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।